कैलेंडर के साथ तारीखें बदलती हैं, वक्त नहीं। वक्त तब बदलता है जब इंसान बदलता है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज मुझसे वंदना। वंदना, आज तो आप कर रही हैं इतनी सीरियस बातें। खैर, सीरियस तो हो गई है यहाँ पर वंदना की ये कहानी भी। अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ, चलिए पता कर कर आते हैं। लेकर चलते हैं आपको बातें कुछ अनकही सी के सेट पर। उसके सीरियल बातें कुछ अनकही सी में वंदना आज बेहद खुश है, और हो भी क्यों ना, भाई वो मौका आ गया है जिसका उसे बेहद इंतजार था, शादी का। और आज वो दुल्हन बन रही है। जरा देखिए कैसे मिरर के सामने बैठकर वो अपने आप को निहार रही है। साथ ही साथ कुणाल की बहन उसका कर रही है श्रृंगार, वो भी अपने हाथों से। वंदना नवारी साड़ी पहन महाराष्ट्र दुल्हन बन तैयार है वैभव से ब्याह रचाने के लिए। इसी बीच वंदना के बाबूजी भी आते हैं, जो वंदना को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। 5 साल से वेट कर रही थी इस दिन का, और फाइनली वो दिन आ गया। बाबा और मैं दोनों भी इस दिन का वेट कर रहे थे, बिकॉज मेरा सपना था कि मेरी शादी हो, मेरे बच्चे होंगे। हर लड़की का सपना होता है, और शायद लड़कियों की लाइफ में जल्दी वो दिन आता है, और मेरी लाइफ में थोड़ा लेट आया, पर कोई नहीं, फाइनली वो दिन आ गया है और आज मेरी शादी हो रही है। सो बहुत खुश है, और वो एक थोड़ा सा इमोशनल हो गए बाबा और मैं, कि इतने सालों से हम साथ में हैं, और दुनिया में अगर मुझसे सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो मेरे बाबा है, और उन्हें सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो उनकी बेटी है। तो 35 साल बाद दोनों अलग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो बुरा लगा है दोनों को भी। फिलहाल तो बुरा कुणाल को भी लग रहा है, क्योंकि उसे वैभव का सच जो पता चल गया है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि वंदना उससे शादी करे और वंदना को भी धोखा मिले, इसीलिए देखिए वो भी पहुंच गया है वंदना के पास और उसे ले जाना चाहता है वैभव और मृणाल की सच्चाई दिखाने के लिए। हालांकि वंदना मना करती है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुणाल वंदना के सामने सच लाने में कामयाब हो पाएगा। जैसे हमने देखा है कि कुणाल एक ऐसा इंसान है, कुणाल गुस्सा भी करता है बट उतना ही कुणाल प्यार भी करता है। और कुणाल ना किसी का गलत होते हुए नहीं देख सकता, और वो बहुत कोशिश करता है कि वंदु को बता देता हूँ, बट ऐसी चीज़ें आती है, वो खुद पागल हो जाता है कि भाभी को पता है, भाई को पता है, इसकी बहन गलत कर रही है, यार ये घर में चल क्या रहा है। सो कुणाल बहुत कोशिश करता है कि एक बार मैं जाके वंदना को बता ही दूँ, बट फिर वो रोकता है कि पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी वंदना। सो अब ऐसा टाइम आ गया है कि कुणाल इज़ लाइक, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो अब जाके वंदना को बता रहा हूँ। और अब आ गया कुणाल वंदना को सच्चाई बताने। पता नहीं इसके आगे क्या होगा, वंदना क्या रिएक्ट करेगी, बिकॉज वंदना उसके बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, मतलब वो किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं करेगी, वो आग बंद करके प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से। तो पता नहीं अब वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या वो वैभव को प्रोटेक्ट करने के लिए कुणाल से लड़ेगी, या कुणाल की बात सुन के वो वैभव से लड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। या मुझे लहंगा नहीं, मुझे नवारी में शादी, मतलब हम महाराष्ट्र में हम नवारी पहनते हैं, तो मैं इसी अटायर में शादी करना चाहूँगी। मेरा भी सपना है कि सही टाइम पे शादी हो मेरी, एक बच्चा हो मेरा। सो या, और एक हैप्पी फैमिली चाहती हूँ मेरे, मैं पता नहीं क्यों, बट मैं एक जॉइंट फैमिली चाहती हूँ जहाँ मेरे सास ससुर भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना उसकी पर्सनालिटी देखना चाहूँगी, मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्री का हो, मैं बस चाहती हूँ कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर वो एक चीज़ है ना, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस अंडरस्टैंडिंग हो, समझदारी हो कि चलो ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को, अंडरस्टूड, चलो ठीक है गलती हो गई, अंडरस्टूड। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में, दैट्स इट। एक बस वो एक चीज़ होती है ना, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। हम तो अपने शो सास बहू और बेटिया में लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटिया।